Hello friends, today we are going to talk about time, T-I-M-E. Aaj hum time ke upar charcha karne ja rahe hain. But the important is how to measure time, kaise time ke baare mein jaane ki kab reversal hoga, kab momentum banega, kab sideways rahega, isko kaise jana ja sakta hai. Main apni study ke baare mein charcha karne se pehle ek कोट यहां रखना चाहूंगा स्टीव जॉब्स का. स्टीव जॉब्स ने कहा योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ. बहुत महत्वपूर्ण बात है. आप किसी भी स्टडी को एकदम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. व्हाट यू हैव टू डू इज पहले उस स्टडी को अनुभव करें, टेस्ट करें और उसकी एक्यूरेसी देखें, उसके बाद उसको अप्लाई करें. राइट मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो भी स्टडी आप, इट माइट बी ऑफ समवन, ऑफ एनीवन, किसी का भी वो स्टडी हो सकता है, पर उस स्टडी को आप पहले अनुभव करें. अनुभव करने के बाद उसको मास्टर करें, फिर अप्लाई करें. यहां पे एक मैं वार्निंग देना चाहूंगा, प्लीज डोंट ट्राई इन ट्रेडिंग. ये प्रेजेंटेशन केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, बेस्ड ऑन WT गैन थ्योरी. आप इसको एंजॉय करें, इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय करें. दिस इज ए पार्ट ऑफ बिग थ्योरी. एक बहुत बड़ी, मान लो मशीन है, उसका एक छोटा सा पार्ट है. हो सकता है कुछ मेरे स्टूडेंट इसके ऊपर काम कर भी रहे हों, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप केवल मूवी की तरह ले और एंजॉय करें और मास्टरी प्राइस के ऊपर ही करें. नाउ बैक टू द टॉपिक, जो आज का टॉपिक है, हाउ टू कैलकुलेट टाइम. क्या क्या मेथड हो सकते हैं टाइम को कैलकुलेट करने के. बहुत अधिक मेथड्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ की चर्चा मैं यहां पे करने जा रहा हूं. पहला, टाइम प्राइस स्क्वायर. सेकेंड, प्राइस टाइम स्क्वायर. थर्ड, टाइम, टाइम इन इटसेल्फ. कहते हैं कि उसका समय अच्छा था तो उसकी सब चीज ठीक हो गई, जाने अनजाने उसका समय खराब था तो उसकी सब चीजें खराब हो गई, बहुत मेहनत करने के बाद भी. तो टाइम अपने आप में ही एक पावरफुल टूल है. फोर्थ, पैटर्न साइकिल, जो अपने आप को बार बार रिपीट करती जाती है. जैसे मान लो एक साल पहले या 10 साल पहले या कुछ और अधिक साल पहले एक पैटर्न बना, वही पैटर्न बाद में दोबारा बनता है तो वो अपने आप को रिपीट करता है. मान लो एक्स डेज तेजी रही, उसके बाद वाई डेज बनता रहा, फिर उसके बाद जेड डेज तेजी रही. अगर ए इस तरह की ABC फॉर्मेशन पहले हुई और उसी तरह का पैटर्न आज जनरेट हो रहा है तो वैसा ही ABC जनरेट होगी. उतने ही हो सकता है वो ए अप ट्रेंड में हो और बी डाउन ट्रेंड में, लेकिन जो नया फॉर्मेशन हो वो उसे रिवर्स हो, बट होगा पैटर्न सेम. राइट नाउ इसके ऊपर मैं बाद में चर्चा करता हूं. मोस्ट डेडली और फेटल और लिथाल नंबर कौन सा नंबर है जिसको WD गैन ने कहा, दैट नंबर इज 7. व्हाई 7? 7 डेज इन ए वीक, 7 × 52, 364 अप्रॉक्स डेज इन ए ईयर. 7th एंगल ऑन स्क्वायर ऑफ 9 इज 315 डिग्री, विच इज अगेन ए डेथ जोन. तो ये डिग्री किसी भी मूव को रोकने की ताकत रखती है. 7th नंबर इज रूल्ड बाय लॉर्ड सैटर्न और टनल थ्रू द एयर में जो उसके हीरो हैं गॉड बॉर्डन ने भी 7 नंबर की चर्चा की है. 7 ईयर साइकिल का मतलब क्या है, मींस 84 मंथ्स, 7 × 12, उसका आधा 42 मंथ्स, 42 से 44 मंथ, 1/4 21 से 23 मंथ्स, और 10 और 11 महीने भी अच्छा काम करते हैं. अगर उसको आगे फर्दर में ब्रेक करूं तो 7 आवर्स, 7 डेज, 7 वीक्स एंड 7 मंथ्स.
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 29/2/2016 को बॉटम फॉर्म किया था निफ्टी ने, 29/1/2018 को टॉप फॉर्म किया। अगर इनको हम कैलकुलेट करें तो दीज आर 700 डेज, मींस 100 वीक्स, और दिस इज अप्रॉक्स 23 मंथ्स, दिस वी हैव कैलकुलेटेड ऑन निफ्टी फ्यूचर एंड निफ्टी स्पॉट। अगर मैं डेली चार्ट निफ्टी का लगाऊं तो उसमें मैं देख पाऊंगा कि 7 दिन और 14 दिन या 21 दिन में बहुत सुंदर पैटर्न बनते हैं। 7 दिन की तेजी या मंदी फॉर्म करती है, या 7 दिन में एबीसी फॉर्म करती है, एबीसी फॉर्म करती है, साइडवेज मूवमेंट रहती है, और या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इमर्ज होता है, दैट इज फॉर 7 डेज या 14 डेज या 7 कैंडल्स या 14 कैंडल्स, व्हाट आई एम सेइंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, 7 कैंडल्स एंड 14 कैंडल्स, दैट कैन बी ऑन ए डे, दैट कैन बी ऑन आवर, दैट कैन बी ऑन वीक आल्सो, कि 7 वीक्स का ट्रेंड बना या 14 वीक का ट्रेंड बना या एबीसी फॉर्म हुआ। अभी मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, दैट टास्क इज कि यू हैव टू कैलकुलेट, फाइंड आउट टू मोर नंबर्स विच आर बीन मेंशन्ड इन दिस प्रेजेंटेशन। यहां पर दो नंबर 7 के अलावा और भी इसमें कहीं लिखे हुए हैं, वो कौन से दो नंबर हैं वो आप सर्च कर आप इसी प्रेजेंटेशन के नीचे अपने कमेंट्स में मैं चाहूंगा कि आप डालें। और दूसरा, आप एक और निफ्टी की ऐसी साइकिल ढूंढें जिसमें 700 दिन बिताए हों, 700, 707 या 749। और अंत में मैं अपने सब स्टूडेंट्स को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी असीमित प्रेम की वजह से, जो उन्होंने टाइमलेस लव शावर किया है मेरे ऊपर, उसके लिए मैं तहे दिल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बात और इस प्रेजेंटेशन के खत्म होने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि why I have selected elite wave along with other methods, कौन कौन से methods हैं, मैं उनको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। टाइम प्राइस स्क्वेयर, प्राइस टाइम स्क्वेयर, टाइम खुद में ही, पैटर्न साइकिल, और उसके बाद जो एक चर्चा का विषय रह गया एस्ट्रो साइकिल विच वर्क्स वेरी वेल, और उससे भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल साइकल्स। और इसी सब गैन मेथड्स के साथ मैं इलिट वेव का मेथड भी ऐड कर रहा हूं। इलिट वेव में मैं चाहूंगा आप टाइम पर अप्लाई करें। आज तक हमने इलिट वेव को प्राइस के ऊपर अप्लाई किया है, उसके रिजल्ट्स जाने अनजाने कुछ अच्छे खराब दोनों तरह के रहे होंगे आपके, लेकिन इलिट वेव पर, इलिट वेव से अगर टाइम के ऊपर आप काम करें तो यू विल फाइंड ये आपको बिल्कुल दूसरी दुनिया में लेके जाएगा। यू विल फाइंड ए टोटली न्यू वर्ल्ड। आप इलिट वेव के ऊपर टाइम को जब आप कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद कितना समय वेव वन ने बिताया और उससे रिलेशन आप बिल्ड करें वेव टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का, वेव ए, बी और सी का, यू विल फाइंड बहुत ही मिराकल हो रहा है, बहुत ही रिफाइंड आपको रिजल्ट मिल पा रहे हैं। ये आपका तीसरा काम है, तीसरा टास्क आपको दे रहा हूं कि इलिट वेव के ऊपर भी आप अप्लाई करके देखें कि आपको जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कितने स्ट्रांग हैं या स्ट्रांग नहीं है। वी शुड नॉट बी बायस्ड। कोई स्टडी हमारे को अच्छा रिजल्ट्स देती है तो वी विल एक्सेप्ट इट, और अगर कोई स्टडी हमारे को अच्छा रिजल्ट नहीं देती है तो वी विल रिजेक्ट इट। वी शुड बी ओपन टू इट। वी शुड नॉट बी बायस्ड कि मैं इसी के साथ काम करूंगा। बहुत बार मैंने देखा है कि अगर स्टूडेंट को कोई स्टडी काम नहीं कर रही तो वो उसको ठीक करने में बहुत मेहनत लगा देते हैं, और कोई स्टडी
ठीक काम कर रही होती है तो उसको छोड़कर दूसरी स्टडी के पीछे चले जाते हैं. वी शुड नॉट डू दैट. कोई भी स्टडी आपकी सिद्ध हो गई, जिसके ऊपर आपकी मास्टरी हो गई, जिसके ऊपर आपकी कमांड हो गई, उसको एक्सेप्ट करके आगे की सर्च को बंद कर दें और उसी को ऊपर आप वर्किंग करते रहें जब तक वो मेथड, जब तक वो स्टडी आपको रिवार्ड कर रही है, जब तक वो आपके लिए मनी जनरेट कर रही है. आई थिंक यू शुड बी प्लेइंग ऑन इट. और उसके बाद आप जो भी आगे सीखें, दैट शुड बी फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, नॉट फॉर द ट्रेडिंग. राइट. इन्हीं वर्ड्स के साथ एट लास्ट फिर दोबारा आई एम गोइंग टू से ओनली वन वर्ड. थैंक्स टू ऑल माई स्टूडेंट्स फॉर देयर लिमिटलेस लव. थैंक्स टू ऑल माई स्टूडेंट्स फॉर लिमिटलेस लव. विश यू गुड लक. विश यू हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग. गुड बाय. गुड लक.